जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, आज आप लोग को जो है हम फिजिक्स से निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में तीन अंतरों को लिखे, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में तीन अंतर आज क्या करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। ये आपका क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में तीन अंतरों को लिखे, यही तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इस तरह से आप दो को कॉलम बना लेना, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लोगे, कॉलम बना लोगे, एक साइड आप लिख देना निकट दृष्टि दोष और दूसरे साइड लिख दोगे दीर्घ दृष्टि दोष। और ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इनका आंसर भी इस वीडियो में आप लोग को बतला रहे हैं, तो आप लोग को कोशिश करना है कि इनका आंसर जो है कंप्लीट ही कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में तीन अंतर आज आप लोग को क्या करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। तो पहला अंतर आप लोग लिखना बाबू, निकट दृष्टि दोष में लिखोगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में आप लिखोगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं इनका जस्ट उल्टा है आपका दीर्घ दृष्टि दोष में लिखोगे नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से आप पहला अंतर लिखोगे। निकट दृष्टि दोष में आपको लिखना है नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। यहाँ पे अधिक हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस प्रकार से पहला अंतर निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में आप लिख दोगे। दूसरा अंतर लिखना, तीन ही अंतर तो लिखना है, दूसरा अंतर लिखोगे इस दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब यानी छाया प्रतिबिंब रेटिना, ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, के आगे बनता है, यानी इस दोष के कारण, यानी निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। वहीं यहां पे आप लिखोगे इस दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। दूसरा अंतर में आप लिखोगे इस दोष के कारण यानी निकट दृष्टि दोष के कारण जो है प्रतिबिंब यानी छाया रेटिना के आगे बनता है, और वही दीर्घ दृष्टि दोष के कारण जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इस प्रकार से दूसरा अंतर लिखोगे, आपको निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में तीन ही अंतर को लिखना है, ठीक है। तो आप इनको कंप्लीट कर लेना क्लास 10th के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, इनको आप पूरी ईमानदारी से कंप्लीट ही कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा लिखते हैं, तीसरा अंतर लिखेंगे इस दोष को यानी निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस से दूर किया जाता है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है या किया जा सकता है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए अवतल लेंस। तो तीसरा आप इस प्रकार से अंतर लिखोगे, यानी निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, वहीं दीर्घ दृष्टि दोष को जो है आप सबको मालूम होना चाहिए उत्तल लेंस। तो यहां लिखेंगे दीर्घ या इस दोष, शॉर्ट में लिखो इस दोष को उत्तल, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, यानी इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस से द्वारा दूर किया जाता है, वही निकट दृष्टि दोष में लिखोगे अवतल लेंस से द्वारा दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करते हैं। तीन ही अंतर आप लोग को लिखना था, इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख दोगे, या कोई भी आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में तीन अंतर आप बताइए, तो आप पहला अंतर लिखोगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, वही दीर्घ दृष्टि दोष में जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, निकट दृष्टि दोष
इस दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना का आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष के कारण जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना का आगे बनता है, वही जो है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर है निकट दृष्टि दोष में लिखोगे इस दोष को अवतल लेंस से द्वारा आप दूर कर सकते हैं, वही इस दोष को उत्तल लेंस से द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद। जिनको जो है इस वीडियो का या इनका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद।